And if you consider this, हमने उसको हरामी कहा था, हमने उसको हरामी कहा था। रमेश बिदोड़ी नाम का जो बम बीजेपी के सिर पर फटा है, उसकी आवाज ने बीजेपी को अंदर तक हिला दिया है। पार्टी अपने गालीबाज को सदन की गलियों में बचाए रखने के लिए नोटिस और निंदा का खेल पार्टी के स्तर पर जहां खेल रही है, तो वहीं दूसरी पार्टियां बीजेपी को लेकर साफ कह रही हैं कि ऐसी हरकतों से बीजेपी में प्रमोशन मिलता है और ये ओछी हरकत इसी प्रमोशन के लिए की गई है। लेकिन टीएमसी की फायरब्रांड नेता और सांसद महुआ मोइत्रा ने पूरे मामले पर अपनी राय रखते हुए इस साल फरवरी में बिदोड़ी के लिए कहे गए अपने शब्द का जिक्र वापस छेड़ दिया है। इस बात का ऐलान कर दिया है कि बिदोड़ी के लिए हमने जो कहा था, आज भी एक बार फिर उसे दोहरा रही हूं। नमस्कार आदाब, आप देख रहे खबर अड्डा और आपके साथ मैं हूं सुमली रम। मोइत्रा इस साल राष्ट्रपति के अभिभाषण पर जब सदन में अपनी पार्टी का पक्ष रखने के लिए खड़ी हुई, तो लगातार बीजेपी की तरफ से उन्हें कई बार टोका टाकी का सामना करना पड़ा। महुआ बोलती रही और बीजेपी की तरफ से उन्हें परेशान किया जाता रहा और इन सब के बीच उन्होंने अपनी बात जैसे तैसे रखी। लेकिन जैसे ही उनके बाद टीडीपी के सांसद खड़े होकर बोलने लगे, तब भी बीजेपी की तरफ से यही हरकत जारी रही। ये होना था कि सदन में ही महुआ खड़ी होती हैं और हरामी शब्द का इस्तेमाल बीजेपी के किसी नेता के लिए करती हैं। A person who has to fulfill this, and if you consider this after 10 years also, there are lot of this. मामला जब खुला तो पता चला कि महुआ ने ये शब्द बीजेपी के सांसद रमेश बिदोड़ी के लिए कहा था। तब महुआ ने डंके की चोट पर कहा था कि वो माफी नहीं मांगेंगी और इस घटना के करीबन 6 महीने बीत जाने के बाद, जब संसद के विशेष सत्र के दौरान बीएसपी सांसद दानिश अली के लिए बीजेपी सांसद रमेश बिदोड़ी ने एक दो शब्दों में नहीं बल्कि वाक्यों में अपशब्दों का प्रयोग किया, तो महुआ मोइत्रा वापस अपनी बात का जिक्र करते हुए कहने लगी कि किस प्रकार से उन्हें तब परेशान किया गया और क्योंकि तब कार्रवाई नहीं हुई तो अब यह घटना दूसरे सांसद के साथ हुई। महुआ ने इसे असंसदीय भाषा करार दिए जाने की जगह एक नफरती बयान बताते हुए कहा कि जब ऐसी भाषा का इस्तेमाल सदन में हो जिसके लिए आपको बीप का सहारा लेना पड़ता हो टीवी पर दिखाने के लिए, वो आदमी एक समुदाय विशेष से आने वाले प्रतिनिधि के लिए ऐसी बात बोल गया। मुल्ला जैसे शब्दों पर बोलते हुए महुआ ने कहा, ये नफरत की भाषा है। मैंने जो शब्द कहा था उसे आप असंसदीय कह सकते हैं, लेकिन ये साफ साफ नफरत की भाषा है। सुनिए। ओम बिरला जी इज द स्पीकर, हर बात में सदन का मर्यादा, सदन का गरिमा, इनके डायलॉग सारा इंडिया सुनते हैं। हमको पता नहीं कितने बार इन्होंने टोक लिया है, नो सिट डाउन। तो अब जब बिदोड़ी जी वहां खड़े होकर ये सब गंदी गालियां दे सकते हैं, रिलीजियस, दिस इज हेट स्पीच। आप एक चीज समझिए, ये अनपार्लियामेंट्री नहीं है। हमने उसको हरामी कहा था, वो अनपार्लियामेंट्री हो सकता है, पर ये जो मुल्ला कहना, कटवा कहना, आप सब बीप कर रहे हैं। महुआ की बातों से साफ है कि बीजेपी के खेमे में बैठे रमेश बिदोड़ी जैसे लोग इक्का दुक्का घटनाओं के लिए कुख्यात नहीं है, बल्कि ऐसे गालीबाज सीरियल ऑफेंडर हैं। अपनी घटना के समय महुआ ने ताल ठोक कर कहा था कि ना तो तब वो माफी मांगने की राजी हुई थी और ना अब वो ऐसा करेंगी। लेकिन लगे हाथ जिस पर सबसे तीखा हमला महुआ ने बोला, वो रहे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। महुआ ने स्पीकर द्वारा क्या कार्रवाई की जा रही है इस पर सवाल उठाते हुए कहा कि जब विपक्ष को सदन की मर्यादा और गरिमा याद दिलानी होती है तो लोकसभा के स्पीकर को तुरंत उनके कर्तव्य की याद आ जाती है, और आज जब दूसरे सांसद के साथ ऐसा व्यवहार किया गया तो उनके तरफ से जवाब में सिर्फ खामोशी ही हाथ लग रही है। तो सदन के खुले तौर पर यह स्वीकारने की उन्होंने बिदोड़ी के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया था से लोकसभा स्पीकर पर सवाल उठाने तक, इस पूरे मामले पर क्या है आपकी राय, हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर साझा कीजिए। और हमारे फ्री जर्नलिज्म को आपके सपोर्ट की जरूरत है, वो तभी होगा जब आप जितना ज्यादा YouTube पर ज्वाइन का बटन इस्तेमाल कर हमारे मेंबर बनेंगे और इससे हमारी हौसला अफजाई करेंगे। साथ ही अगर अब तक आपने हमारे चैनल खबर अड्डा को YouTube पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे अभी कर लीजिए।